फ्रेंड्स, शार्प वेस्टिज एयर प्योरीफायर के प्योरीफिकेशन दो तरीके से किए जाते हैं। पहला है एक्टिव प्योरीफिकेशन सिस्टम, दूसरा है पैसिव प्योरीफिकेशन सिस्टम। पैसिव प्योरीफिकेशन सिस्टम को हम एक दूसरे वीडियो में हमने डेमोंस्ट्रेट किया है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्टिव प्योरीफिकेशन सिस्टम, जो कि प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, ये किस तरीके से बाकी ब्रांड से बेटर है। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में कि ये सिर्फ शार्प के पास है और इसके हमारे पास सेफ्टी और इफेक्टिवनेस के 31 ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफिकेट है। प्लाज्मा क्लस्टर 5 काम कर सकते हैं हमारे कमरे के अंदर। पहला, फ्रेश एयर जेनरेट करता है, मतलब अगर किसी कमरे में घुटन है, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, भारीपन महसूस होता है, तो शार्प प्लाज्मा क्लस्टर उस रूम के अंदर के एयर को हल्का कर देता है, आपको सांस लेने में इजी फील होती है। दूसरा, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस और पैथोजेंस है, जो जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कई सारे बैक्टीरिया वायरस निकल रहे हैं, हो सकता है मेरे शरीर के लिए वो अच्छे हो लेकिन दूसरे आदमी के लिए मेरे अंदर का वायरस उनके लिए हो सकता है अच्छे ना हो। सो ये क्रॉस इन्फेक्शन को रोकता है। कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस जैसे H1N1, स्वाइन फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया और 29 और टाइप के एलर्जेंस और पैथोजेंस को ये किल कर सकता है, जिसके हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। तीसरा, स्मेल। स्मेल आज की डेट में एक बहुत मेजर हिस्सा है इंडोर एयर पोल्यूशन का। स्मेल कई तरीके से होते हैं, परफ्यूम्स के होते हैं, वार्निश के स्मेल होते हैं, पेंट से होते हैं, टॉयलेट के होते हैं, ये कई तरीके के स्मेल को प्लाज्मा क्लस्टर न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज का मतलब ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है स्मेल को। फोर्थ पॉइंट ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर जो है स्टैटिक चार्ज, एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटर है एयर पोल्यूशन का, स्टैटिक चार्ज को एलिमिनेट करता है। एक और वीडियो हमारा स्टैटिक चार्ज से रिलेटेड है, जो आप सेपरेटली देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने उस वीडियो का लिंक इंक्लूड करके रखा हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लाज्मा क्लस्टर हमारे स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसके भी सर्टिफिकेट हमारे पास है। उसके डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, ठीक है। अभी और कई तरीके से प्लाज्मा क्लस्टर के बेनिफिट्स के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें शायद और भी चीज़ें पता लगे, नई चीज़ जो प्लाज्मा क्लस्टर कर सकता है। आज हम डेमोंस्ट्रेशन जो करेंगे, डेमोंस्ट्रेशन हम स्मेल का करेंगे। स्मेल में सबसे गंदी स्मेल जो होती है वो है एमोनिया। एमोनिया पाया जाता है सिगरेट स्मोक में, टॉयलेट जो हम यूरिन करते हैं यूरिन में एमोनिया होता है, पसीने की बदबू में, स्वेट स्मेल में एमोनिया होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास कुछ टेस्ट किट्स हैं, जिसमें एमोनिया है, जिसमें फिनॉप्थलिन है और कुछ टिश्यू पेपर्स है। आपके पास अगर ये टेस्ट किट्स नहीं है तो सेम एक्सपेरिमेंट आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एमोनिया को इसके अंदर स्प्रे करूँगा ये, और दोनों में मैं स्प्रे करता हूँ एमोनिया को, और इक्वल स्प्रे किया मैंने। अब जो है फेनॉप्थेलिन से आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए फेनॉप्थेलिन से इसका कलर चेंज हो गया, राइट। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं एक पेपर नैपकिन के ऊपर और इसको हम एक्सपोज करते हैं प्लाज्मा क्लस्टर में। मशीन ऑन हो गई है। अब जैसे आप ग्रेजुअली देख पाएंगे कि एमोनिया किस तरीके से न्यूट्रलाइज हो रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए हमने इसको पास से दिखा रहे हैं आपको कि पास में से किस तरीके से स्मेल रिड्यूस होता है, बट ये प्लाज्मा क्लस्टर धीरे धीरे जब रूम के कोने में पहुँचते हैं तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ती रहती है। तीसरा, ये एक एक्टिव प्योरीफिकेशन सिस्टम है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। पैसिव प्योरीफिकेशन मशीन के अंदर चीज़ों को खींच के आउट, उसके अंदर ट्रैप करके बाहर फेंकता है, बट एक्टिव प्योरीफिकेशन सिस्टम मशीन के बाहर निकल के काम करता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, कोई नामोनिशान नहीं छोड़ता। थर्ड, प्लाज्मा क्लस्टर सरफेस के ऊपर काम करता है। सबसे ज़रूरी बात
कि कोई और एयर प्योरीफायर सरफेस के कॉन्टेमिनेंट्स को नहीं निकाल सकता। ये जो हमने पहले रखा था उसके अंदर अभी भी ये अमोनिया के ट्रेसेस है, जैसे ये पिंक है, और इसके अंदर से पिंक बिल्कुल निकल चुका है दोनों साइड से, आप ये देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्लाज्मा क्लस्टर स्मेल जैसे हैजर्डस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी इफेक्टिवली निकाल सकता है। बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं, स्मेल को रिड्यूस करने के लिए कार्बन फिल्टर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन फिल्टर देते हैं। कार्बन फिल्टर एक सक्शन मोड में काम करता है, इसकी एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि जितनी हवा इसके अंदर से जाए। प्लाज्मा क्लस्टर एक्टिव तरीके से, मतलब ये ड्यूअल प्रोटेक्शन है केमिकल फ्यूम्स के लिए, एक ड्यूअल प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं कि कार्बन फिल्टर और प्लाज्मा क्लस्टर मिलकर आपको एक बेटर एफिशिएंसी देता है जो किसी और ब्रांड में पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ लास्ट कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस के लिए कुछ इम्यूनिटी है, एंटीजन एंटीबॉडी तैयार होता है। डस्ट पार्टिकल्स के लिए हमारे नाक के अंदर बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए गए हैं, बहुत सारे चीज़ें दिए गए हैं धूल मिट्टी को रोकने के लिए, लेकिन स्मेल गैसेस और VOCs को रोकने के लिए हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरीके की इम्यूनिटी नहीं है। तो शार्प एयर प्योरीफायर विद प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जब कार्बन फिल्टर से कंबाइन होकर दोनों मिलके काम करता है तो एक बाकी ब्रांड से एक हॉलिस्टिक और बेटर आपको प्योरीफिकेशन देते हैं, जो शायद मैं आपके सामने अभी प्रूफ कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच।